नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई धमाकेदार वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं बहुत ही सिंपल यूजर इंटरफेस वाली थीम को। लोगों ने कमेंट किया था कि उनको HTML और JavaScript लैंग्वेज इतना नहीं पता है और ना ही वो इतना डिफिकल्ट सेटिंग को अप्लाई कर पाते हैं। इसीलिए मैं आपको एक ऐसी थीम लेकर आया हूं जैसे लाइक आप मोबाइल में सेटिंग को अप्लाई करते हैं सेम सब कुछ आपको वैसे ही करना है। मतलब कि सारा काम आपका लेआउट से हो जाएगा, आप HTML में आपको नहीं जाना पड़ेगा, वहां से आपसे कोई भी कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और उसका यूजर इंटरफेस इतना सिंपल फ्रेंड्स है। थीम को अप्लाई करने के बाद आपका प्रोफेशनल लुक देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सब कुछ मैं फुल्ली कस्टमाइजेशन करके आपको थीम वो दूंगा, लेकिन वहां पे सब कुछ आपको अपना करना रहेगा। उस प्रीमियम के कुछ अलग फायदे हैं वो मैं आगे आपको डेस्कटॉप पे दिखा दूंगा, लेकिन फ्री में भी आप अपने साइट्स को जो है वेबसाइट या फिर ब्लॉग को मोनेटाइज कर सकते हो और यहाँ पे एज ए एफिलिएट वर्क कर सकते हो, आप किसी भी टाइप का ब्लॉगिंग कर सकते हो इस थीम के जरिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को ऑल पे हिट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2022 की टॉप बेस्ट सेलिंग थीम्स हैं, इसमें मैं तीसरी नंबर वाली थीम यूज कर रहा हूँ सुपर मैक। तो दिखा देता हूँ फ्री में हमें क्या क्या मिलेगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हो टेम्पलेट फीचर जो फ्री में सब जितने भी यूजफुल फीचर हैं हमें फ्री में मिल जा रहे हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है लेकिन नॉलेज आपको पूरा मिलेगी। अब सिंपल सा आपका क्या करेंगे, फ्री डाउनलोड पे क्लिक करोगे और इसे डाउनलोड कर लोगे। तो जो कि मैंने डाउनलोड करके पहले से रखा हुआ है, उसे ओपन करना है आपको, इसे एक्सट्रैक्ट कर लेना है और थीम पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। जस्ट थीम पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे रिस्टोर पे क्लिक कर देना है। रिस्टोर पे क्लिक करेंगे, सिंपल अपलोड पे क्लिक करेंगे और अपना जो थीम यहाँ पे अपलोड किया वो थीम आपको देख लेना कहाँ है आपकी थीम। ये मैंने एक्सट्रैक्ट किया था तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, टेम्पलेट्स में आएंगे, ये हमारा जो थीम यहाँ पे से हम ओपन कर देंगे, ठीक है। इसके बाद जो है हम अपना अपना व्यू ब्लॉक पे क्लिक करेंगे। तो व्यू ब्लॉक पे क्लिक करते हैं, जस्ट आप देखेंगे सब कुछ आपका यहाँ पे ये चेंज हो चुका है, ठीक है। अब आप देख रहे हो सुपर मैक की जो फ्री थीम वो आपके ऊपर अप्लाई हो गई है, लेकिन अभी भी इसमें क्या है, अब आपको कस्टमाइजेशन करना है। इस थीम को इसलिए चूज किया है फ्रेंड्स, और कस्टमाइजेशन इसका बहुत ही सिंपल है, कोई भी आराम से कर लेगा। इसमें HTML में आपको कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपका लेआउट से सब कुछ कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। तो एक पोस्ट आप अच्छे से कर लेना ताकि आपको समझ में आए कि पोस्ट कहाँ से, जैसे मैंने ये कर दी पोस्ट, ठीक है। लेआउट पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे टॉप पर मेनू पे क्लिक करेंगे और लिंक वाले पे लिंक लिस्ट पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। एक बार आपको सारे लिंक यहाँ पे चेक कर लेना, होम, अबाउट, कॉन्ट्रैक्टर्स और RTL वर्जन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो इस पे क्लिक करोगे आपको होम का ओपन है, सिंपल इस लिंक को हम कॉपी कर लेंगे, ये मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे, ठीक। ये आपका होम का लग गया। इसके बाद अबाउट का आपका आना है, तो अबाउट का पेज आपको बनाना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि आप अपना अबाउट का पेज आप कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने सेपरेट से वीडियो बनाई है, बताई है, आपको जाके वो वीडियो को देखना है और सीखना है कैसे आपको अपना पेज अबाउट उसका बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको पेज बनाना पड़ेगा, फिर कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाना पड़ेगा, फिर तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, उसे कॉपी लिंक करना है, देन आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसका भी आपका रेडी हो गया। अब बचा आपका कॉन्टैक्ट अस का, तो यहाँ पे भी आना है सिंपल साइट पे, जो इसको हम सेलेक्ट करेंगे ब्लॉगर पेज पे, और कॉन्टैक्ट अस वाले पेज को हम यहाँ पे शेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कॉपी लिंक पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। देन यहाँ पे हम आएंगे लेआउट पे, वापस से हमसे पेस्ट कर देंगे। देखिए कॉन्टैक्ट अस का भी सेव हो गया है। यहाँ पे अपने ब्लॉग को एक बार रिफ्रेश करेंगे, अब आपको यहाँ पे दिखाएंगे कि हमारे जो ये होम वाले जो सेक्शन थे अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ये काम कर रहा है कि नहीं। देखिए अबाउट का क्लिक किया हमने, तो यहाँ पे देखिए अबाउट का बटन आ गया, कॉन्टैक्ट अस का मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखो कि आप कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म ओपन होकर आ गया, ठीक है। उसके बाद वापस से लेआउट में आएंगे, लेआउट में आने के बाद दूसरे नंबर पे देखिए टॉप बार आइकन लिस्ट, ठीक है। आप यहाँ पे चले क्लिक करते हैं, देखते हैं कौन कौन से हमको मिलता है यहाँ पे, फेसबुक का है और ट्विटर का है, यूट्यूब का है, RS का है। आपको यहाँ पे जैसे इतना सा एडिट करना है और यहाँ की जगह पे आपका फेसबुक पेज है, तो यहाँ पे डाल देंगे अपने पेज का नाम, जो अभी आपका पेज का नाम हो सेव कर देंगे, ठीक है। और ट्विटर का भी अगर आप चलाते हो तो ट्विटर में भी आपको यही करना है, जस्ट आपको इतना हटाना है, ट्विटर का भी आपको डाल देना है, जो भी आप ट्विटर का अकाउंट हो आपका वो यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने सेव कर दिया। जस्ट यूट्यूब का भी आपको सेम यही करना है, ठीक है, इसको भी हम सेव कर देंगे, जस्ट हम सेव पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे रिफ्रेश करोगे वापस से, आप देख सकते हो रिफ्रेश करेंगे वापस से हम होम पे रिफ्रेश करने के बाद यूट्यूब और फेसबुक आपका ये भी जस्ट चेंज हुआ है। अभी आप देखोगे जस्ट हमारा ओपन होके आएगा, ये आ गया, ठीक है। तो सिंपल से लेआउट पे हम जाएंगे वापस, इसको मैंने कस्टमाइजेशन कर दिया। अब आता है हेडर लोगों की बात करते हैं, तो यहाँ पे हेडर लोगों पे पहले भी आपने सब कुछ कर रखा है। इमेज जो है रिमूव कैसे करना है ये आप करोगे यहाँ पे, और इसके बाद सेव पर सिंपल क्लिक कर देंगे कि हमारा इमेज हट गया है। अब आप चाहो तो वहाँ पे इमेज लगा सकते हो अपनी, लेकिन यहाँ पे मैंने इसे हटा दिया है, जस्ट आपका मेरा टेक एंगल का लिख के आएगा, इमेज मेरा हट चुका है। देखिए मेरा टेक एंगल का आ गया लिख के। आप चाहो तो इसके फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हो, लोगो बना के यहाँ पे लगा सकते हो इमेज का। तो यहाँ पे मुझे इतना ही अच्छा लगता है, इतना सही है मेरा, यहाँ पे पूरा वेबसाइट लगभग रेडी हो गया है। अभी मैं आपको होम, न्यूज़, फीचर्स, मेगा मेनू, टैब दिख रहे सारे मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको करना रहेगा, वीडियो में बने रहिए। देन आते हैं हेडर मेनू पे, तो मेनू में हमारे पास क्या क्या है।
होम है और न्यूज है, फीचर्स है, फीचर पोस्ट है, पोस्ट यहाँ पे आपको जो जरूरत नहीं वो चीज़ यहाँ पे आप हटा सकते हो। ठीक है, तो होम का पहले से ही लगा हुआ है, उसको आप चाहते हो कस्टमाइजेशन कर सकते हो। न्यूज़ की जगह पे हम क्या कर देंगे, लेटेस्ट पोस्ट। ठीक है, चलिए यहाँ पर लेटेस्ट पोस्ट कर देते हैं। आपको अपने लेटेस्ट पोस्ट का जो पेज है यहाँ पे लाके लेबल पिन कर देना है। फीचर्स में आप क्या करोगे, फीचर्स में हम यहाँ पे कर देते हैं आप जो भी रखना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, YouTube चैनल का नाम। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे YouTube चैनल। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ, आप कुछ भी कर सकते हो। ऐसे ही आपको सब कुछ यहाँ पे चेंज कर लेना, आप चाहो तो ये सारे आपको डिलीट कर सकते हो, उनका कोई वर्क नहीं है अभी फ्री के ब्लॉग में, ये सब कुछ आप डिलीट कर सकते हो। ठीक है, इस पर सिंपल जो है इसके बाद हम यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। ठीक है, हम इसको सेव कर देते हैं, सेव पे क्लिक करेंगे। आपको जस्ट मैं आइडिया दे रहा हूँ दिखाने के लिए, आपको ऐसे सब कुछ कर लेना, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे तो अभी देखना न्यूज़ की जगह पे पोस्ट आ जाएगा और यहाँ पे यूट्यूब चैनल आ जाएगा। ठीक है, लेटेस्ट पोस्ट यूट्यूब चैनल, तो लेटेस्ट पोस्ट पे हम क्लिक करोगे जो भी आपका देखिए लेटेस्ट पोस्ट का जो भी आपने किया होगा वो सब कुछ आपका बाय डिफॉल्ट से आ जाएगा। देखिए लेटेस्ट पोस्ट हमारा जो है यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो इसके बाद यूट्यूब चैनल पे क्लिक करोगे तो आपका यूट्यूब चैनल पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। जस्ट देखिए ये वर्क कर रहा है सिंपल। ऐसे आपको अपना लेआउट को सेट कर लेना है बाय डिफॉल्ट, ये जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। हेडर मेनू आपको सब कुछ अरेंज कर लेना है। इसके बाद आते हैं फीचर पोस्ट पे। ठीक है, तो पॉपुलर पोस्ट पे आपको यहाँ पे आना है और देखना है आपको क्या चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पे देखिए आपका पॉपुलर पोस्ट है, लास्ट ईयर आपको ऑल टाइम सेलेक्ट कर देना है। देन आपको यहाँ पे इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसको सिंपल सा सेव कर देना है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे हम आते हैं, ये हमारा जो मेन रहेगा मेन पोस्ट ब्लॉग, इसमें आपको क्या करना क्या क्या कर सकते हो। तो यहाँ पे रीड नंबर बाई, आप चाहो तो यहाँ पे ऑथर का नेम प्रोवाइड करा सकते हो, जैसे कि यहाँ पे बाई नीरज या अपना नाम यहाँ पे एंटर कर सकते हो। वो मैं नहीं करूँगा, आप वैसे ही इसमें रहता है जैसे एज इट एज इसको हम रहने देंगे, बाकी तो इसमें कोई चेंज नहीं करने हैं। ठीक है, सिंपल सर जैसा कि रहता है इसको हम कर देंगे। आप चाहो तो यहाँ पर नाम प्रोवाइड कर सकते हो, बट मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे फिर रिलेटेड पोस्ट आपका आ जाएगा, यू माइट बी लाइक, तो यहाँ पे जो है आपका रिलेटेड पोस्ट होगा। तो यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट आपका रहना है इसको एज इट एज रहने की कॉन्फिगरेशन पहले से इसमें हो चुका है। ठीक है, इसके बाद हमारा अबाउट अस का पेज आता है। तो सिंपल सा हमारा जो अबाउट अस का वाला है पेज, इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें हम अबाउट अस वाले में अपना उस वाला जो ये वाला जो अबाउट अस बनाया था वो नहीं डालेंगे। ठीक है, तो अबाउट अस में हम क्या लिखेंगे, वो यहाँ पे जो है अपने चैनल का लिंक दे देना सीधे। आप चाहो तो कोई कैसे भी अबाउट अस अपने बारे में बता सकते हो, अपना एफबी का पेज दे सकते हो, अपना ट्विटर का पेज दे सकते हो, अपने बारे में जहाँ भी आप लिंक्डइन का लिंक कर सकते हो, उसमें कहीं का कोई जरूरी नहीं। मैं अपना यूट्यूब का पेज ले रहा हूँ। ठीक है, आपको कुछ भी कर सकते हो, कहीं से भी पेज लगा सकते हो। तो यहाँ पे जो है मैं यूट्यूब का ही ले रहा हूँ, रेडी हो गया। अब इमेज की बात रही तो यहाँ पे अपना अगर आपने अपना लोगो बना के रखा है रेडी, तो सिंपल सा हम से अपलोड करेंगे, चूज फाइल पे सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद से हम सिंपल सा ओपन पे क्लिक करेंगे। ये हमारा जो है सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है और इसके बाद जो है हम यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। इसे मैंने सेव कर दिया, आपका अबाउट का सेक्शन ये भी ओके हो गया है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, साइड बार का जितना विस्तार आप देख रहे हो इसको एडिट कर लेना है। देन आपको यहाँ पे फॉलोअर्स, ठीक है, फॉलोअर्स का भी आपको आइकन चेंज कर, यहाँ पे सब कुछ रेडी कर लेना है। फेसबुक के जैसे मैंने उसमें बताया था सब कुछ आपको इसमें ऐसे ही करना है। आपको देखिए सिंपल आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, आपको सिंपल ऐसे ही यहाँ पे फेसबुक का अपने पेज डाल देना जैसे मैंने वहाँ पे डाला था। तो सिंपल आपको ऐसे ही कर लेना है सब कुछ, जो चीज़ें मैंने आपको बताई है पहले वाले लिंक में आपको सब कुछ ऐसे ही करना है। ठीक है, इसके बाद जहाँ पे आपका मेन वाला आइकन आता है ना, जहाँ पे आपको एडिट करना है, इसे फोटो मेनू लिंक में हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमको कुछ एडिट करना रहेगा। तो यहाँ पे देखिए होम अबाउट अस कॉन्टैक्ट अस आरएलटी, तो यहाँ पे वापस से आपको वही पेज यहाँ पे डालने हैं जो आपने ऊपर डाले थे, जब आपने ऊपर वाले होम में डाले थे वही चीज़ आपको यहाँ पे करना है। सिंपल अपने पेज पे जाना है और यहाँ पे आपका जो होम का पेज रहेगा वहाँ की लिंक डाल देंगे। इसके बाद अबाउट अस का जैसे पहले से किए हो वैसे सेम सब कुछ, सारी प्रोसेस आपको वैसे ही करना है। बहुत ही सिंपल फ्रेंड्स ये पेज है, आपको एडिट करना बहुत ही सिंपल लगेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे पेजेस वाला जो आपका सिस्टम है ये भी जो हाइट दिखा रहा है, यहाँ पे सिंपल से हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद शो विजिट पे हम क्लिक कर देंगे। अब जो है हमारा होम का ये जो मेन हमारा होम है वो यहाँ पे दिखेगा पेज का। ठीक है, तो सिंपल से हम सेव पे क्लिक करेंगे, ये जो है हमारा यहाँ पे सेव हो गया, आप दिखने लगेगा। रिपोर्ट अव्यूज आपको कुछ नहीं करना, लेबल आपका रहेगा जो लेबल भी आपको एज इट एज रखना है, कुछ नहीं करना वहाँ पे। और यहाँ पे ब्लॉग अर्ची को ऐसे रखना है, एट्रीब्यूशन को भी आपको ऐसे रखना है, एडसेंस का आपको जो है यहाँ पे आप जो है सो विजिट यहाँ पे जो कर देंगे एडिशन लगाएंगे तो पहले से ही ऑन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सर्च ब्लॉग को आप ऐसे रखना है, मेन टैग आपको ऐसे ही रखना है, कुछ नहीं करना, पहले से कॉन्फ़िगरेशन इसमें हो रखा है, आपको कुछ नहीं छेड़ना इसमें। ठीक है, और इसके बाद एड्स पे आपको आएंगे, कुछ नहीं करना, पॉपुलर पोस्ट पे भी आपको कुछ नहीं करना है, सब कुछ पहले से ही रेडी है। और इसके बाद यहाँ पे आओगे फॉलोअर्स पे, ठीक है,
यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूंगा क्या करना है आपको। यहाँ पे देखिए सब कुछ आपको वैसे ही रहेगा, यहाँ पे आपको लिंक लगाना है, ठीक है, फॉलोअर्स का। मतलब मैं ये चीज बता रहा हूँ, आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे देख रहे हो आपका फॉलोअर्स का ये चीज है, यहाँ पे आपका लोगो भी आ रहा है साथ में। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे भी आपका लोगो आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे आपका लोगो आ रहा है, तो इसमें आपको क्या चेंज करना है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अपने पेज पे वापस आओगे तो यहाँ पे देखिए फेसबुक का जो आपका पेज का यूआरएल रहेगा, तो आप यहाँ पे वो डाल देना जो आपका है, ऐसे ही डालोगे, सेम आपको डालना है। लेकिन पीछे आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, यहाँ पे आपको लिखा है, ये आपका हैशटैग लगा है, फिर फेसबुक लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे आप इसमें देखोगे, यहाँ पे भी देखो यहाँ पे हैशटैग लगा है, क्वेरा लिखा हुआ है, ठीक है, क्वेरा लिखा हुआ है। तो इसमें क्या मतलब ये रहता है कि ये जो आइकन का सिस्टम है, ठीक है, मैं आपको जस्ट आपको बताता हूँ। ये फेसबुक का है तो यहाँ पे ये लगा रहेगा फेसबुक के बाद। आपको देखिए इसके बाद जो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप चाहो तो इसमें सब्सक्राइबर भी ऐड कर सकते हो, 1K लिख देना है आपको, जस्ट सेव कर देना, ठीक है। ये मैं सेव कर रहा हूँ, मैं जस्ट आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, इसे भी मैंने सेव कर दिया। और यहाँ पे अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे केवल फेसबुक लिखा हुआ है, लेकिन सब्सक्राइबर या फॉलोवर नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि जस्ट मैं अभी इसे सेव करूँगा और उसके बाद रिफ्रेश करूँगा तो वहाँ पे 1K लिख के आएगा, क्योंकि मैंने 1K लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखना फेसबुक के आगे 1K लिख के आ जाएगा, देखिए 1K लिख के आ गया है। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे ये चीज़ कर लेना है, ठीक है, अगर आप कुछ भी चीज़ कस्टमाइजेशन कर रहे हो, कस्टमाइजेशन करोगे वहाँ से, तो आपको फॉलोअर्स वाले थिंग में यहाँ पे ये चीज़ें अप्लाई करना है। यहाँ पे हैशटैग आपको नहीं हटाना है, यहाँ पे देखो क्वेरा पे लगा हुआ है, यहाँ पे क्वेरा पे लगा हुआ, तो यहाँ पे आपको देखो हैशटैग क्वेरा, अगर यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे 5K कर दोगे तो यहाँ पे 5K दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सेव करेंगे, सेव करने के बाद हम इसे पे क्लिक करेंगे। अभी मैंने अपनी लिंक नहीं कन्वर्ट किया, आपको लिंक कन्वर्ट करके तब आपको ऐसे करना है। यहाँ पे मैं देखिए रिफ्रेश कर रहा हूँ तो यहाँ पे 5K लिख के आएगा, ये देखिए। ऐसे अपने फॉलोवर भी शो कर सकते हो। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी थी, मैंने आपको जो बताई। बाकी आपका जो ये मेनू बार है, ये सब कुछ आपको मैंने कस्टमाइजेशन करके बता दिया है। आपको मैंने ये भी लिंक आपकी लगवा दी है, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस फॉलो, ये प्राइवेसी पॉलिसी का सब कुछ हो गया है रेडी, सर्च ब्लॉग और ये आपका रिव्यू अबाउट अस, ठीक है, सो मोर, और ये जो आपका मेन पोस्ट है कि वो शो करेगा। आपका ये जो फॉलो लिंक है इसको भी आपको कस्टमाइजेशन कर लेना है जस्ट। आपका इसके बाद जो है आपका सब कुछ रेडी हो गया है, ठीक है, पूरा ब्लॉग A to Z रेडी हो गया है। अब आप अपना बिंदास पोस्ट करिए, कुछ भी करिए, यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। देखिए कॉन्टैक्ट अस, अगर आप चाहते हो कि आपको अबाउट अस कॉन्टैक्ट अस के फॉर्म ज़्यादा दिख रहे हैं, लाइक नहीं, आप जैसे आप देखते हो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, और कहीं भी आपको अगर देखने को मिले तो, अगर आप चाहते हो तो एक ही रख सकते हो। ये मतलब फुल कस्टमाइजेशन आप कर सकते हो, ठीक है। ये थीम आप यूज़ करके अपने चैनल को मोनेटाइज भी कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लुक देती है। और यहाँ पे जो है आप एक्स्ट्रा गैजेट भी इसमें ऐड कर सकते हो लेआउट में, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा गैजेट्स में चाहिए तो ऐड गैजेट पे क्लिक करके आप अपना ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एडसन जितने भी आपको ये ब्लैक से दिख रहा है, ये ऑटोमेटेड है, जब आपका एडसन अप्रूवल हो जाएगा तो ये एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। शुरू में मैंने आपको ये बताया था नो थंबनेल इमेज, तो यहाँ पे आपको अगर इस पर आप क्लिक कर दोगे तो आपके जितने भी ये जो आपका थंबनेल में जो है सिस्टम, आपके थंबनेल शो होना हट जाएगा, ठीक है, आपका थंबनेल नहीं शो होगा। इसको आप नहीं छेड़ना है, ना ही इसको आपको छेड़ना है, जस्ट एज इट एज आपको रखना है ऐसे। और यहाँ पे आप देखें सब कुछ आपका रेडी हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड जो है आप अपना ब्लॉग का थीम पूरा कस्टमाइजेशन कर सकते हो। इसमें आपको सब कुछ इसी से करना है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है अबाउट मी का, तो बाय डिफॉल्ट ही अबाउट मी का जो पेज आपका वो ले लेगा। यहाँ पे आपका गूगल की प्रोफाइल जो रहेगी ब्लॉग की, वो यहाँ पे हो जाएगा। पेजेस पे मैंने आपको सब कुछ बताया है, रिव्यू रिव्यूज कुछ फोर रिव्यूज आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट मैंने जितना भी मेन था मैंने आपको बता दिया है। बाकी जितने भी अबाउट अस फॉलोअर्स का बटन लगाना है, जस्ट सारी प्रोसेस सेम ही है, आप उसे लेआउट पे क्लिक करोगे, जस्ट आपको पूरा यहाँ पे जो कस्टमाइजेशन कर लेना है। आपको HTML में जाके कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखिए बहुत सी थीम जो होती है HTML में होती है, इसलिए मैं आपको आपके लिए एक ऐसी थीम लेके आया था जहाँ पे जो है आप अपना लेआउट से ही कस्टमाइजेशन कर पाओगे काफ़ी अच्छे तरीके से। होप फ्रेंड्स कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प हुई होगी। ये जो थीम है आप किसी भी टाइम जो है इसे कन्वर्ट कर सकते हो प्रीमियम में, ठीक है। यहाँ कभी भी आप जो अगर आपका ब्लॉग सक्सेसफुल हो जाए, आपका ब्लॉग रन करने लगे, अभी तो आपने बिना पैसे के कुछ भी इसमें नहीं लगाया है, ठीक है, फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपका सब कुछ रेडी हो जाता है। आपका देखिए ब्लॉग पूरा रेडी हो चुका है, यहाँ पे सब कुछ आपका हो चुका है फिलहाल। तो यहाँ पे मैंने भी ये 3 मिनट नहीं कस्टमाइजेशन किया, आप कर लेना, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग जो भी ऐड करना चाहते हो ऐड कर लेना, मैंने जितना बताया उतना डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा। और इसके बाद फिर भी मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि फ्रेंड्स यहाँ पे आप क्या करोगे, सेटिंग में जाओगे, आपको अपना कस्टम डोमेन ले लेना है। कस्टम डोमेन फ्रेंड्स कम से कम तो ले ही लो ताकि आपका ब्लॉग की वेबसाइट दिखने में अच्छी लगे। फ्री ब्लॉग है कोई बात नहीं, होस्टिंग नहीं ले रहे हो कोई बात नहीं, कस्टम डोमेन यहाँ पे आप ले सकते हो। क्या करना सिंपल, आपको अगर आपका पहले से कस्टम डोमेन है तो यहाँ पे क्लिक करोगे, उसका नाम एंटर करोगे, अगर नहीं है तो बाय डोमेन पे क्लिक करोगे, जस्ट आपका गूगल डोमेन सेंटर जो है ओपन हो जाएगा। वहाँ से आप 1000 रुपये के अंदर में कोई सा भी जो है डोमेन ओपन यहाँ पर बाय कर सकते हो। अगर आपको होस्टिंगर या कहीं और से भी बाय करना है तो मैं लिंक उसके नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, आप इजीली से बाय कर सकते हो, ठीक है। तो डोमेन बाय करना बहुत ही सिंपल है, आपको जस्ट अपना डोमेन नेम टाइप करना रहेगा, फिर पेमेंट कर देना है, आप ना गूगल का डोमेन ले लो, भले ही होस्टिंग ना लो लेकिन डोमेन
ले लो, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप ब्लॉग फ्री में भी ट्राई कर रहे हो तो 500 रुपये से कोई बड़ी बात नहीं होती है। अगर आपका सक्सेसफुल हो गया तो आप इसे वर्डप्रेस में शिफ्ट कर सकते हो कभी भी। सो फ्रेंड्स, होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। ये थीम आपको कैसे लगी, इसका कस्टमाइजेशन आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट करके नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको भी किसी थीम से रिलेटेड कस्टमाइजेशन चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही, तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। साथ ही फ्रेंड्स, मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं जो है इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। और साथ ही मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर मैं पोस्ट करता रहता हूँ जो भी रिलेटेड जानकारी होती है, मैं सब कुछ आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ। सो फ्रेंड, वीडियो में बस इतना था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।